नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे कक्षा एक विषय हिंदी का चौथा पाठ। इसे पूर्व में हमने जो पाठ पढ़ा था वो है आ की मात्रा। हमने आ की मात्रा पढ़ी, जैसे कि आम, कान, कार, पान, नाना, मामा। तो इस प्रकार आ की मात्रा, जिस प्रकार मैं की अगर आ की मात्रा लग गई तो क्या हो गया माँ, और ले के आ की मात्रा लग गई तो क्या हो गया ला, तो मिलके माँ ला माला। इस प्रकार हमने ये मात्रा पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। ये जो ये छोटी ई की मात्रा है, देखो ये आपको दिख रहा है, छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे हम। देखिए और समझिए, ये आपको किसका चित्र दिख रहा है, किताब का। तो ये क्या है, क धन ई धन त धन आ धन ब, तो मिलके क्या हो गया किताब। देखो ई एक तो छोटी ई होती है और एक बड़ी ई भी होती है। ये देखो ये बड़ी ई है और ये छोटी ई है, दोनों के उच्चारण में फ़र्क है। तो हम इसको पढ़ेंगे छोटी ई को, तो इसमें किताब। अगर यही बड़ी ई की मात्रा होती है तो इसको पढ़ें किताब। तो की में जोर लगाना है, की और की दोनों में अंतर है। तो हम छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे तो इसमें क्या बोलेंगे किताब। सितार, चिड़िया, तिल, मिल। अगर यही बड़ी की मात्रा बोलते हैं तो मिली, जली। तो इसमें जो मात्रा है उसमें थोड़ी थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे स धन ई धन त धन आ धन र, तो क्या हो गया ये सितार। ये सितार, इसमें हमने ई की मात्रा, ये छोटी ई की तो कोई सितार पढ़ा। अगर यही बड़ी ई की मात्रा है तो क्या बोलते सितार। तो आगे ये किसका चित्र दिख रहा है, चिड़िया का। तो च धन ई धन ड धन ई धन य धन आ, तो मिलके क्या हो गया चिड़िया। अब हम पढ़ेंगे आगे वाला, पढ़िए और समझिए। ये क्या दिख रहा है, त पे हम छोटी की मात्रा लगाएं तो ती, ती ल तिल, मी ल मिल, खी ल खिल, दी ल दिल, छ वि छवि, र वि रवि, क वि कवि, दी न दिन, गी न गिन, पी न पिन, मिठा मी ठा स मिठास, गी ला स गिलास, ती ल क तिलक, नी क ट निकट, मी न ट मिनट, टी क ट टिकट। इस प्रकार ये छोटी की मात्रा है। अगर यहीं पे बड़ी की मात्रा होती तो हम इन शब्दों को इस प्रकार पढ़ते हैं, मील, चील, झील। तो इसमें क्या हमें आवाज़ में थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, मी ची। जिस प्रकार ई और ई दोनों में अंतर है तो इसमें उच्चारण में भी इसी प्रकार बोलना हमें। इसमें जैसे कि किताब, तो इसमें हम कैसे पढ़ेंगे कील। तो दोनों में अंतर है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि छोटी की मात्रा को किस प्रकार पढ़ना है और बड़ी की मात्रा को किस प्रकार पढ़ना है। फिर हम नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, बोल बोल कर पढ़िए। अनिल अनिल, दी न दिन, नी क ल निकल, आ या आया, अनिल दिन निकल आया, अ ब अब, उठ उठ जा अब उठ जा, त की या तकिया, उठा कर उठा कर रख, तकिया उठा कर रख, यह किताब किताब, इधर इधर रख रख, यह किताब उधर इधर रख, विकास विकास, चल चल विकास चल, अब पढ़ पढ़ अब पढ़, अनिल अनिल, चिड़िया चिड़िया, मत मत, पकड़ पकड़, अनिल चिड़िया मत पकड़, जा कर जाकर, एक एक,
गिलास गिलास ला, जाकर एक गिलास ला। गिलास गिलास में बर्फ़ बर्फ रख रख, गिलास में बर्फ़ रख। वह बर्फ़ बर्फ पिघल गया गया, बर्फ पिघल गया। कल कल रविवार रविवार था, कल रविवार था। रवि रवि कल कल पिकनिक पिकनिक पर गया गया था, रवि कल पिकनिक पर गया था। तो इस प्रकार हमने छोटी की मात्रा पढ़ी है। इस प्रकार पढ़ना है, अनिल दिन निकल आया, अब उठ जा, तकिया उठाकर रख, यह किताब इधर रख, विकास चल अब पढ़, अनिल चिड़िया मत पकड़, जाकर एक गिलास ला, गिलास में बर्फ रख। वाह बर्फ पिघल गया, कल रविवार था, रवि कल पिकनिक पर गया था। तो हमें ये जो मात्रा बोली इसमें बड़ा आसानी से हम धीरे से बोलेंगे, इतनी आवाज़ में जोर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये छोटी की मात्रा है। बड़ी ई में थोड़ा हमें उच्चारण को लंबा ले जाना है, तीखा। अध्यापन संकेत, बच्चों को बताएं कि ई की मात्रा शब्द के बाईं ओर लगती है। ये देखो, ये किताब लिखा हुआ है, तो किताब के के बाईं ओर ई की मात्रा लगी हुई है, तो हमें ये ध्यान रखना है, छोटी ई की मात्रा शब्द के बाईं ओर लगती है। इसमें भी सितार में भी बाईं ओर लगी हुई है, चिड़िया पे भी बाईं ओर लगी हुई है, और जो नीचे हमने जो शब्द पढ़े, तिल मिल खिल दिल छवि रवि, इन सारे शब्दों के बाईं ओर ई की मात्रा लगती है। ई की मात्रा से बने शब्दों का पर्याप्त अभ्यास करवाएं, यानी कि आपको बार बार ये जो ई की मात्रा के शब्द हैं वो पढ़ने हैं, जिस प्रकार अभी हमने पढ़े थे उसी प्रकार बार बार पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न, मौखिक, बोलकर पढ़िए, बोल बोल कर पढ़ना है। निकल निकल, तकिया तकिया, किताब किताब, तिलक तिलक, गिलास गिलास, पिघल पिघल, विकास विकास। निकल तकिया किताब तिलक गिलास पिघल विकास। अब हम पढ़ेंगे लिखित, पहला प्रश्न, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। ये देखो किसका चित्र दिखाई दे रहा है, गिलास का, तो हमें गिलास लिखना है। यहाँ पे पीछे वाला जो अक्षर है वो लिखा हुआ स, उच्चारण किसका हो रहा है, गिलास है, तो आपको क्या लिखना है, गी ला स। एक में तो ई की मात्रा आ रही है और एक में आ की मात्रा आ रही है, तो ग पे ई की मात्रा लगानी है और ल पे आ की मात्रा लगानी है, तो गी ला स गिलास, इसमें गिलास लिखेंगे। अब ये किसका चित्र दिख रहा है, किसान का, तो किसान में भी न जो पीछे वाला अक्षर है की सा किसान न न लिखा हुआ, तो आपको आगे वाले शब्द अक्षर लिखने हैं की सा न किसान। अब ये देखो ये किसका चित्र दिख रहा है, किताब का, ये हमने तो इसमें आगे वाला अक्षर लिखा हुआ की, अब हम लिखेंगे ता ब किताब, तो मिलके क्या हो गया, किताब। अब ये क्या है, सितार, तो इसमें भी सी लिखा हुआ है, ता र, तो ता र लिखना है आपको, तो सी ता र, तो मिलके क्या हो गया, सितार। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, वर्णों को मालाओं के साथ जोड़कर शब्द बनाइए। सॉरी, वर्णों को मात्राओं के साथ जोड़कर शब्द बनाइए। ग धन ई धन ल धन आ धन स, तो मिलके क्या बना, गिलास। न धन क धन ल, तो मिलके क्या हो गया, नकल। स धन ई धन त धन आ धन र, तो मिलके क्या हो गया, सितार। क धन व धन ई धन त धन आ, तो मिलके क्या हो गया, कविता। तो पहले वाले में आपको क्या लिखना है, गिलास, दूसरे वाले में लिखना है नकल,
तीसरे वाले में लिखना है सितार और चौथे वाले में लिखना है कविता। तो इस प्रकार आपको लिखना है। अब पढ़ेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप। अपनी पसंद की दो मिठाइयों के चित्र चिपकाइए। आपको जो मिठाई पसंद है, अपनी मनपसंद की जो दो मिठाइयाँ आपको पसंद है, वो दो मिठाइयों के चित्र लगाने हैं। पहला तो इस बॉक्स में लगाना है और दूसरा इस बॉक्स में लगाना है। जो आपको मिठाई पसंद है उसी का ही चित्र लगाना है यहाँ पे। इस प्रकार हमने देखो ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर है। ई की मात्रा को हम जैसे कि तिल, मिल, खिल, दिल, छवि, रवि, कवि, दिन, इस प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन जो बड़ी की मात्रा उसको मील, चील, झील, ढील, नील, भली, ये हमें ध्यान रखना है। हमने ये पाठ पढ़ लिया। धन्यवाद।